गाइज वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो गाइज आज हम प्रेजेंट है लेकर के अर्थात बात रिलिज्म जो कि आपके सामने प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट, पहली और दूसरी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, आदर्शवाद और जो है एक नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म। तो आप नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें। यदि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर में इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम दोनों पेपर के फ्री ऑफ कोर्स वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, मैं जो है आपको टेलीग्राम में भेजूंगी। एस वाई एजुकेशन से टेलीग्राम में भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, विजिट मुझसे करेंगे या सोनी यादव के नाम से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी और जो है सारे वीडियो मिलेंगे, इसके पीडीएफ भी मिलेंगे। अभी पीडीएफ नहीं डाल रही हूँ, यदि कमेंट बहुत सारे आने लगेंगे इसके पीडीएफ के लिए तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी। तो चलते हैं हम आदर्शवाद अर्थात आदर्शवाद प्रकृतिवाद के बारे में इंक्लूड कर चुके हैं, हमारे तीसरी पार्ट वीडियो है। हम सोच रहे हैं कि 3 वीडियो डेली आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे वॉचिंग संख्या और सब्सक्राइबर लोग बढ़ते जाएंगे वैसे मेहनत करूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं प्रतिपादक और समर्थक के बारे में। गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर अरस्तु जो है, नेक्स्ट लाग, वेकिन और केमेनियस। गाइस बिल्कुल सेट करके रखना है कि यथार्थवादी कौन है, तो आप बिल्कुल दिमाग से डिलीट नहीं करना है आपको। आगे देखते हैं, यह विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान पर बल देता है। गाइस यथार्थवाद के बारे में हम जानेंगे, शुद्ध ज्ञान उपयोगी ज्ञान को जो है प्राथमिकता देता है, ठीक है। बिल्कुल शुद्ध ज्ञान, प्योर नॉलेज होनी चाहिए और जो यूज कर किया गया उपयोगी जैसे नॉलेज होना चाहिए उसको प्राथमिकता ये रिलिज्म देता है, ठीक है। यथार्थवादी जो है क्या है, इसमें पदार्थ बुद्धि जगत तीनों चीज़ इसमें आते हैं। यथार्थवाद के अनुसार जो है तकनीकी और व्यवसायिक विषयों को विशेष महत्व तो दिया गया है। यथार्थवाद को जो है ज्ञान मीमांसा दर्शन मानते हैं और यथार्थवाद चिंता प्रक्रिया को मानता है, ठीक है। समस्या केंद्रित है ये, ठीक है। और यथार्थवाद के जो है ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है, आवश्यकता ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और उपयोगी ज्ञान, इतना बिल्कुल गाइस सेट करके दिमाग में रखना है। हम पहले अपने भावों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभी फिर इसके बाद आपको पीडीएफ से इंक्लूड करवाएंगे, ठीक है। शैक्षिक यात्राओं यथार्थवाद की देन है, ठीक। जैसे एजुकेशनल जो ट्रेवल होता है किसकी देन है गाइस, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे यथार्थवाद की देन है। पीजीटी की तैयारी बिल्कुल करवा रहे हैं गाइस, बिल्कुल आप कहीं नहीं जाइए, बिल्कुल जो एजुकेशन से यदि आप तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डिमांड बढ़ेगा रेगुलर मैं डेली वीडियो आपको प्रोवाइड कर, किसी कारण बस बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, बहुत लंबा ब्रेक हो गया था, इसलिए थोड़ा से जो सब्सक्राइबर हैं निराश हैं, तो आप बिल्कुल लग जाइए, मैं डेली वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। यथार्थवाद के अनुसार जो है शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, कि जीवन को बिल्कुल आनंदमय सुखमय बनाना, ठीक है। अब देखते हैं कि यथार्थवाद शिक्षण विषयों को महत्व देता है, किस विषयों को महत्व देता है गाइस, विज्ञान विषयों को महत्व देता है, तकनीकी विषयों को महत्व देता है, व्यावसायिक विषयों को महत्व देता है। विज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है इसमें, जो विज्ञान विषय के अंतर्गत 2018 में एग्जाम पूछा जा चुका था, विज्ञान गणित और विज्ञान को विशेष महत्व दिया गया था, इसमें कौन कौन से आया था, विज्ञान गणित और तर्कशास्त्र था, ठीक है गाइस। अब देखेंगे वोकेशनल और टेक्नोलॉजी साइंस विषयों को और इसमें महत्व दिया गया था। यथार्थवाद में शिक्षण विधि को प्रयुक्त करते हैं, इसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं, जो इसमें प्रयोगात्मक विश्लेषणात्मक शिक्षा मात्र विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें यथार्थवाद की शिक्षा प्रक्रिया, इसमें आदर्शवाद में जो बाल केंद्रित थी इसमें उद्देश्य केंद्रित है बताया गया है। यथार्थवाद में जो विश्लेषणात्मक ज्ञान जो है अधिक होता है, जीवन में सुखमय बनाने, जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें यथार्थवाद ने जो है चिंतन में जो है 4 सोपान को अनुसरण किया था। तो पहले यहाँ पे देखेंगे यह विज्ञान पर आधारित है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे वैज्ञानिक ज्ञान को सत्य एवं पदार्थ को वास्तविक माना गया, बिल्कुल सेट करके दिमाग में रखेंगे कि वैज्ञानिक ज्ञान को क्या ट्रूथ माना गया है, ठीक है यहाँ पे, और जो पदार्थ है उसे क्या है वास्तविक माना गया है। चारों ओर का संसार यथार्थ ही है, ठीक है, चारों ओर जो भी वर्ल्ड में जो है संसार है वह यथार्थ ही है।
अब देखेंगे जगत उसी रूप में स्वीकार, जिस रूप में जो दिखाई देता है उसे उसी तरह से स्वीकार अर्थात ने कर लेता है। वैज्ञानिक विधि का जो है सर्वाधिक महत्व दिया गया है, विश्व जैसा है जहाँ है जहाँ है, ठीक है। अब देखेंगे अर्थात के प्रकार, अर्थात कितने प्रकार के होते हैं। मानवतावादी अर्थात है यह मानव को केंद्रित केंद्र मानता है, ठीक है, मानवतावादी। सामाजिक यथार्थवादी यह जो है पुस्तकीय ज्ञान को बेकार मानता है, ठीक है, सामाजिक यथार्थवादी जो है पुस्तकीय ज्ञान को बेकार मानता है। मानवतावादी यह जो है आप दिमाग में सेट करके रखेंगे, मानव को केंद्र मानता है। अब देखेंगे समाज के साथ समायोजन में जो ही मनुष्य का सुख है, समाज है हमारा सोशल है, जिसमें डिस्टेंस बना के रखेंगे तो वहाँ पे जो है सुख नहीं होगा, जहाँ पर हमें संपर्क बना के रखना पड़ेगा मनुष्य से एक दूसरे से, ठीक है। जैसे समाज होता है, समाज के डिप्रेशन, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जहाँ पे माइक आइवर पेज ने कहा है कि ताना बाना, जैसे एक दूसरे से मिल करके जुट करके रहना ही समाज कहलाता है गाइस। तो यहाँ पे समाज की व्याख्या सामाजिक किया गया है, समाज की व्याख्या किया गया है, तो आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ज्ञान इंद्रियां अर्थात वाद के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इसको इंक्लूड करते हैं ज्ञान इंद्रिय अर्थात। तो यहाँ पे रहा गाइस कि व्यक्ति का जो है प्रकृति पर अधिकार करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना गया है। और देखेंगे कि नव अर्थात वाद तथा वैज्ञानिक अर्थात वाद कला और विज्ञान दोनों के अध्ययन पर बल देता है। इनके जो है अनुसार विज्ञान के नियम भी परिवर्तनशील है गाइस, इनके अनुसार विज्ञान के परिवर्तन जो साइंस के रूल्स है उस पे जो है वो क्या है चेंजिंग चेंजफुल होता है उस पे। अब देखेंगे ज्ञान मीमांसा इसमें क्या कहता है गाइस, तो सत्य की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। धर्म को ढोंग माना परंतु ईश्वर को भी माना है, धर्म जो हमारे हैं रिलीजन्स है उससे क्या है ढोंगी माना है, बट जो है ईश्वर को भी इन्होंने माना है यथार्थवाद। अब देखेंगे शिक्षा के एजुकेशन के उद्देश्य गोल क्या होते हैं, बालक को जो है वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना होता है गाइस। और क्या है इसमें, अब यहाँ पे देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप ध्यान देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि शारीरिक विकास, ज्ञानेन्द्रीय प्रशिक्षण, और यहाँ इसको देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है विकास, सृजनात्मक जो है शक्ति का विकास करना, सामाजिक कुशलता का जो है विकास, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास और सामुदायिक विद्यालयों का विकास करना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे आत्मा और आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार्य नहीं करता है, जो कि कौन करता है, आदर्शवाद करता है गाइस। तो बिल्कुल सेट करके रखेंगे, हमने ये बताया आपको, यहाँ पर ज्ञान मीमांसा बताया, उद्देश्य बताया। अब आ जाते हैं इसकी क्या विशेषता है, उसके प्रति हम ध्यान देंगे, थोड़ा विशेषता की तरफ देखेंगे। यहाँ पे ज्ञान इंद्रियों के जो है गाइस, एक सेकेंड, देखेंगे ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है, पुस्तकीय ज्ञान पर विशेष बल देता है, व्यावहारिक ज्ञान पर भी बल देता है, वैज्ञानिक विषयों पर बल देता है, ठीक है। और देखेंगे कि तत्व मीमांसा क्या चीज़ है, बहु तत्ववादी और नियतवादी दर्शन है, वास्तविक संसार और नियतवादी दर्शन है। वास्तविक संसार जो है मानसिक संसार से अलग होता है गाइस, यहाँ पे जो अनुभव किया जाता है वही अर्थात होता है, ठीक है। मूल्य मीमांसा में कि मूल्यवाय होते हैं, सामाजिक मूल्य है इसमें, जैसे सोशल से इसमें रिलेटेड जो है चर्चा किया गया है गाइस। वास्तविक जीवन के लिए जो है तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य है, शारीरिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं यथार्थ के बारे में, यथार्थवाद के बारे में, तो ज्ञान इंद्रिय प्रशिक्षण मानसिक विकास भी होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का मुख्य उद्देश्य होता है, इसमें मनुष्य का सृजनात्मक शक्ति का भी विकास किया जाता है, प्राकृतिक सामाजिक वातावरण का ज्ञान भी उद्देश्य है इसके, व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया गया, आदर्श का भी विरोध किया गया, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि इन्होंने आत्मा को क्या बताया है, स्वीकार नहीं कर रहा है ना, तो क्या है विरोधी कर रहा है। अब देखेंगे प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण का ज्ञान, आदर्श का विरोध, आत्मा और अस्तित्व, आध्यात्मिक ज्ञान को क्या कहा इन्होंने, नहीं माना है,
ठीक है, तो ये रहा गाइस आज की मेरी टॉपिक। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको एक कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।